सैयद रजी, हेडलाइंस आप जान चुके हैं। अहम खबर दें आपको, फवाद चौधरी के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नाकाबिले जमानत वारंट मौतली का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। तफसीलात जानेंगे एहतिशाम के आनी से। एहतिशाम आगाह कीजिए। देखिए, फवाद चौधरी के इलेक्शन कमीशन से नाकाबले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी हुए थे। इलेक्शन कमीशन में उनके खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई जारी है, जिसमें मुसलसल अदम पेशी पर उनके वारंट जारी किए गए। उसके खिलाफ उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त दायर की थी, जिस पर वारंट तो मुअत्तल हो गए, लेकिन आज के रोज यानी 20 जुलाई को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फवाद चौधरी को इलेक्शन कमीशन के सामने पेश होने का हुक्म दे रखा है। और साथ ही ये भी कहा था कि आप इलेक्शन कमीशन के सामने पेश हों, अगर पेश नहीं होते तो इस अदालती हुक्म पर अमल दरामद नहीं करते तो उसके भी नतायज होंगे। आज तहरीरी हुक्मनामा जारी किया गया है और उसमें जो फवाद चौधरी के वकील फैसल चौधरी पेश हुए, उनके दलायल भी लिखे गए हैं कि उन्होंने क्या गुजारिशात की, जिस बुनियाद पर अदालत ने वारंट गिरफ्तारी मौत कर दी। बहुत शुक्रिया एहतिशाम। आगे बढ़ेंगे, चेयरमैन पीसीबी ज़का अशरफ की